हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस तरीके का अलग और आसान डिज़ाइन बनाएंगे। इसे हम स्प्रिंग बुनाई या रिंग बुनाई भी कह सकते हैं। इसे बनाने के लिए फंदे 4 के मल्टीपल में प्लस 3 फंदा एक्स्ट्रा लेनी है। ये 4 सिलाई का पैटर्न है। 4 सिलाई में ये डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हो जाता है। ये डिज़ाइन का बैक साइड देखिए इस तरह से बन के आएगा। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर 19 फंदा लिए हैं, 4 के मल्टीपल में 16 प्लस 3 फंदा। ये फर्स्ट सिलाई सीधी साइड है, स्टार्टिंग का 3 रो, 3 सिलाई हम बेसिक रो बना करके कंप्लीट करेंगे। तो ये फर्स्ट सिलाई सीधी साइड, पूरी सिलाई हम सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। देखिए सभी फंदा को सीधा बुन लेंगे। बेसिक रो 2 रॉन्ग साइड उल्टा साइड में सभी फंदा को उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। बेसिक रो 3 सीधी साइड में सभी फंदा को सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। जैसे हम फर्स्ट सिलाई में बुने हैं उसी तरीके से सभी फंदे को सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। स्टार्टिंग का 3 सिलाई, 2 सिलाई उल्टा और 1 सिलाई सीधा बुन के कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये डिजाइन का फर्स्ट सिलाई स्टार्ट होगा। ये फर्स्ट सिलाई उल्टा साइड में देखिए, पहला फंदा उल्टा उतार लेंगे, उसके बाद एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ पर धागा पीछे करके देखिए, जैसे हम सीधा बुनते उस तरीके से सिलाई को डालेंगे और साथ में लेफ्ट सिलाई को भी इस तरीके से आगे कर लेंगे। देखिए इस तरह से, और धागे को हमें ये दोनों सिलाई के चारों तरफ घुमानी है इस तरह से। देखिए 10 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम घुमाने के बाद जैसे हम सीधा बुनते हैं उस तरीके से बुनते हुए ये जो 10 फंदा बनाए हैं उसे हम गिरा देंगे। देखिए इस तरह से, और ये सभी फंदे को फैला देंगे। फैलाने के बाद धागे को खींचेंगे। ये देखिए यहाँ पर स्प्रिंग के जैसा बन जाता है। उसके बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे। इसी तरह से डिज़ाइन बनानी है। अब धागा अपने तरफ करके 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे कर लेंगे। यही देखिए 4 फंदा का डिज़ाइन है जिसे आपको पूरी सिलाई में बुन के कंप्लीट करनी है। फिर से जैसे हम सीधा बुनते हैं उसी तरीके से सिलाई डालेंगे, साथ में लेफ्ट सिलाई को भी आगे कर लेंगे। उसके बाद दोनों सिलाई के चारों तरफ धागे को 10 टाइम घुमाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद जैसे हम सीधा बुनते हैं उस तरीके से बुनते हुए ये 10 फंदा को गिरा देंगे। उसके बाद इसे फैला देंगे, धागे को खींचेंगे, यहाँ पर स्प्रिंग के जैसा बन जाता है। फिर जैसे हम सीधा बुनते हैं उसी तरीके से एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपने तरफ करके 2 फंदा उल्टा, फिर
फिर से धागा पीछे करके सीधा जैसे बुनते हैं उस तरीके से सिलाई हम डालेंगे। दोनों सिलाई को बराबर में रखते हुए 10 टाइम धागा को दोनों सिलाई के चारों तरफ घुमानी है। उसके बाद जैसे हम सीधा बुनते हैं उस तरीके से बुनते हुए ये 10 फंदा को गिरा लेंगे और सभी को फैला देंगे इस तरह से। फिर धागे को खींचेंगे। फंदा हम सीधा बुन लेंगे, धागा अपने तरफ करके 2 फंदा उल्टा। फिर से हम डिजाइन बनाएंगे। यहाँ पर दोनों सिलाई को इक्वल में करके धागा को दोनों सिलाई के चारों तरफ 10 टाइम घुमाएंगे। उसके बाद जैसे सीधा बुनते हैं उस तरीके से हम सीधा बुनते हुए सभी फंदा को गिरा लेंगे और इसे फैला देंगे। फिर धागे को खींचेंगे। देख सकते हैं इस डिजाइन को बनाना कितना आसान है। उसके बाद हम एक फंदा को सीधा बुन लेंगे, धागा अपने तरफ करके लास्ट का 3 फंदा उल्टा बुन लेंगे। जैसे हम स्टार्टिंग में 3 फंदा उल्टा बुने उसी तरीके से। सेकेंड सिलाई सीधी साइड है तो सभी फंदा को सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। इस डिजाइन में हर एक उल्टी सिलाई आपको डिजाइन बनानी है और सीधी सिलाई में सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करना है। थर्ड सिलाई उल्टा साइड में देखिए, जैसे हम फर्स्ट सिलाई बुनी है उसी तरीके से बुननी है। बस स्टार्टिंग का फंदा देखिए, पहला फंदा उल्टा उतार लेंगे, उसके बाद 3 फंदा उल्टा बुनेंगे, 2, 3। अब यहाँ पर जैसे हम फर्स्ट सिलाई में डिजाइन बनाए उसी तरीके से यहाँ पर डिजाइन बनाएंगे। धागा पीछे करके जैसे हम सीधा बुनते हैं उस तरीके से सिलाई डालकर दोनों सिलाई को इक्वल में करते हुए 10 टाइम धागे को सिलाई के चारों तरफ घुमाएंगे। उसके बाद जैसे हम सीधा बुनते हैं उस तरीके से बुनते हुए सभी फंदा को गिरा देंगे, फिर इसे फैलाएंगे, धागे को खींचेंगे। देखिए जैसे हम फर्स्ट सिलाई में बुने उसी तरीके से यहाँ पर भी बुनना है। फिर एक फंदा सीधा बुन लेंगे, धागा अपने तरफ करके 2 फंदा उल्टा। फिर से यहाँ पर डिजाइन बनाएंगे, धागे को दोनों सिलाई के चारों तरफ घुमाएंगे 10 टाइम। स्टार्टिंग में बिगिनर को मे भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये इजली बन जाएगा। देखिए धागा भी आसानी से निकल जाएगा थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो। उसके बाद धागे को खींचेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे, धागा अपने तरफ करके 2 फंदा उल्टा। उसके बाद धागा पीछे करके फिर से यहाँ पर डिजाइन बनाएंगे। दोनों सिलाई को एक साथ करके धागे को सिलाई के चारों तरफ 10 टाइम घुमाएंगे। उसके बाद सीधा बुनते हुए सभी फंदा को गिरा लेंगे और इसे फैला देंगे। इसे आप आराम से फैलाएंगे तो उलझेगा नहीं। फिर धागे को खींच लेंगे और अगर बाय चांस उलझ जाता है तो इस फंदे को आप गिरा लीजिए जिसे हम बनाए हैं। उसके बाद दोबारा बना लीजिए। अब धागा अपने तरफ करके लास्ट का 5 फंदा उल्टा बुनेंगे जैसे स्टार्टिंग में बुने हैं। फोर्थ सिलाई सीधी साइड सभी फंदा को सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। फिफ्थ सिलाई जैसे हम फर्स्ट सिलाई बुने हैं उसी तरीके से बुननी है तो ही फोर्थ सिलाई में ये डिजाइन कंप्लीट हो जाता है।
ये देख सकते हैं कितना सुंदर सा डिज़ाइन बनता है और अलग सा भी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।